इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 24 नवंबर 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर नॉलेज सीरीज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर न्यूज जयपुर, अविडंबना अगले महीने अर्धवार्षिक परीक्षा, 4 महीने बाद वार्षिक परीक्षा, स्कूलों में शिक्षकों के 75,000 से ज़्यादा पद खाली, कोर्स है अधूरा। बीकानेर शिक्षा विभाग, राज्य के स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई है। 8 से 20 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। मार्च में वार्षिक परीक्षा प्रस्तावित है। कोरोना के बाद वापस पटरी पर लौटा ये शिक्षा सत्र छात्र और छात्राओं के लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्र छात्राओं से 100% सिलेबस पूछा जाएगा, लेकिन कोर्स ही पूरा नहीं हुआ क्योंकि स्कूलों में तृतीय श्रेणी से लेकर व्याख्याता के कैडर के 75,000 से अधिक पद खाली चल रहे। हालांकि राज्य सरकार ने नियमित भर्ती से पहले खाली पदों को भरने के लिए विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त और बेरोजगार पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, लेकिन पोस्टिंग से पहले ही योजना को स्थगित कर दिया गया। इसका खामियाजा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 90 लाख विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसे लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। नई भर्ती अब अगले साल ही हो पाएगी। उधर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पदों पर पिछले 2 साल से पदोन्नति भी नहीं हो पाई, इस कारण से खाली पदों का ग्राफ और बढ़ गया है। DPC कोटे के पद भी नहीं भरे जा सके। सेकेंड ग्रेड के 9,000 पदों पर भर्ती परीक्षा अगले महीने। विभिन्न विषयों के 9,000 सेकेंड ग्रेड शिक्षक पदों पर RPSC की ओर से भर्ती परीक्षा 21 दिसंबर से शुरू होगी। इसके बाद वही लेक्चर के 6,000 पदों पर भर्ती परीक्षा अक्टूबर में हो चुकी है। इसका परिणाम आना शेष है। लेवल 1 और लेवल 2 के 46,000 पदों पर भर्ती परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, कैडरवार खाली पद, लेवल 1 21,000, लेवल 2 25,000, सेकेंड ग्रेड माध्यमिक शिक्षा 16,700 और फर्स्ट ग्रेड 12,700 पद खाली। रीट भर्ती को लेकर 16 लाख की घोटाला सीकर भास्कर, रीट परीक्षा मामला, लेक्चर भर्ती समीक्षा परीक्षा परिणाम जारी, RPSC अजमेर विचारित सूची। खुशखबरी, राजस्थान सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को 5% से अधिक आरक्षण देने वाले राज्यों से ली जानकारी। राज्य भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को श्रेणीवार आरक्षण देने पर विचार, जयपुर भास्कर न्यूज। सहायकाचार्य EFM के इंटरव्यू 1 दिसंबर से होंगे, RPSC अजमेर। हाउसकीपर परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। कृषि अन्वेषक भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया धरना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। हाईकोर्ट ने सरकार से पदों की संख्या और खाली पद कब तक भरे जाएंगे बारे में हल्फनामा मांगा, जोधपुर। स्टेनोग्राफर और अन्य भर्तियों को लेकर शिक्षकों की समस्या को लेकर धरना कल,
संदेश न्यूज कोटा, थर्ड ग्रेड तबादला विशेष शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड अनिवार्य के पद सर्जित को लेकर, विद्या संबल योजना भरतपुर में 2633 पदों पर 81,645 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन, भर्ती रद्द होने से छाई मायूसी, शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों का छलका दर्द, विद्या संबल योजना। शिक्षा विभाग में प्रति वर्ष होने वाली विभागीय पदोन्नति भी 270 से नहीं, पदोन्नति पर ब्रेक, विद्या संबल पर रोक, पढ़ेसरियों को नहीं मिल रहे हैं शिक्षक, राजस्थान पत्रिका हनुमानगढ़। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पदोन्नति और खाली पदों का आंकड़ा, प्रधानाचार्य उपप्रधानाचार्य फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट पीटीआई। सेवा नियमों के फेर में अटकी वरिष्ठ अध्यापकों से व्याख्याताओं की पदोन्नति, राजस्थान पत्रिका धौलपुर। गरीबी में आटा गीला, फैकल्टी के नाम पर बेरोजगारों से खिलवाड़, विद्या संबल योजना सुजानगढ़। सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021, जिला मुख्यालयों पर 28 से होगी फायरमैन शारीरिक दक्षता परीक्षा, राजसमंद। जयपुर युवा शिक्षा अवसर, पिछले दो साल में खोले गए कुल 26 बीएससी नर्सिंग कॉलेज में अभी तक एक भी पद पर नहीं हुई भर्ती। कॉलेजों में पीजी का फर्स्ट ईयर का सेशन आज से शुरू, लैब असिस्टेंट भर्ती में दस्तावेज सत्यापन शुरू, 10वीं 12वीं की प्रतिभावान बालिकाओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, गार्गी पुरस्कार के लिए 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन, राजस्थान पत्रिका जयपुर। सीबीएसई सीटेट के ऑनलाइन पंजीयन का आज अंतिम दिन, राजस्थान पत्रिका न्यूज। प्रशिक्षा शास्त्री टेस्ट के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, राजस्थान पत्रिका जयपुर। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, जल्दी समाधान निकाला जाएगा, सभी भर्तियों में लागू होगा, नवज्योति जयपुर। कोटा युवा शिक्षा अवसर, जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। अजमेर युवा शिक्षा अवसर, एमडीएसयू में लेवल 3 की परीक्षा के लिए होगा परामर्श सेशन। बीकानेर शिक्षा विभाग युवा शिक्षा अवसर न्यूज, अगले महीने अर्धवार्षिक परीक्षा, लेकिन स्कूलों में खाली पदों का आंकड़ा ज्यादा। इग्नू पीएचडी एंट्रेंस की फॉर्म फिलिंग 20 तक, पीजी प्रीवियस की रेगुलर पढ़ाई आज से 5 महीने लेट हुआ सेशन, चूरू भास्कर। 9 बैग डे पर स्टूडेंट शनिवार को पढ़ेंगे लाइब्रेरी की पुस्तकें, बांसवाड़ा। 4 सीट की तैयारी, बोर्ड की सख्ती, परिणाम 70% से कम तो कार्रवाई होगी, बांसवाड़ा। सुजानगढ़ की 30 पंचायतों के 44 स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के पीजी कॉलेजों में दाखिले दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक होंगे, नवज्योति जयपुर। सहायक निदेशक पॉलीग्राफ डिवीजन एवं लेक्चर अगध तंत्र की विचारित सूची जारी, आरपीएससी अजमेर। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के 1700 पद के लिए विज्ञप्ति जारी, जल्द प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद, नवज्योति न्यूज। नेट यूजी कोटा, पोर्टल पर काम नहीं होने से हजारों विद्यार्थी परिजन व शिक्षक परेशान। WNM के लिए 1155 पद, भर्तियों के लिए पहले प्रस्ताव कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, फार्मासिस्ट और अन्य। बाल गोपाल योजना न्यूज, कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 उदयपुर। जयपुर टाइम्स, ओबीसी आरक्षण पर भाजपा सरकार का फैसला वापस होगा, गहलोत बोले युवाओं की मांग सही, 16 राज्यों और केंद्र का मॉडल लागू करेंगे।
अर्धवार्षिक परीक्षा 8 दिसंबर से। तिरसठ हजार बालिकाओं को इस वर्ष मिलेगी गार्गी पुरस्कार। शिक्षा विभाग बीकानेर। शैक्षिक सम्मेलन चुनाव और संविधान दिवस पर शिक्षकों की ड्यूटी अजमेर। राजस्थान पत्रिका न्यूज। व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों की संख्या बढ़ेगी राजस्थान पत्रिका। अलवर मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। प्रदेश में 11 जिला शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण शिक्षा विभाग बीकानेर। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तीसरे से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए 3 दिसंबर को विशेष पीटीएम के निर्देश बीकानेर शिक्षा विभाग। पोर्टल पर काम नहीं होने से हजारों विद्यार्थी परिजन शिक्षक परेशान। 30 तक भरने हैं छात्रवृत्ति आवेदन। पीजी कक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित करने की मांग कोटा महाविद्यालय।